हाँ अक्सर मुझे डार्लिंग के नेम से बुलाते हैं। जैसे अब जो आइलैंड में मेरा नाम बीबा है, तो मेरे बहुत से जाने वाले हैं जो मुझे बीबा बीबा, मेरी हर कमिट्स में बीबा करते हैं। इमरान हाशमी के साथ अगर आपको मिल गया तो आपको कैसा लगेगा? जी कर लूँगी मैं काम, अच्छे एक्टर है वो। तो उसका नाम आतिफ असलम से भी मैं कर सकती हूँ। हाँ फिल्म में काम किसी में अगर वो मुझे मौका दे। शर्मा गई हैं आतिफ असलम का नाम लेते हुए। वो पैशन को अपने काम को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, ना कि लव सबके चक्रों में पड़ूँ। अच्छा ये जो हमारा करेक्टर है वो हमसे बेहतर नहीं कोई कर सकता। जैसे आप मशर से फीमेल हैं, मैं कभी भी एक फीमेल का करेक्टर नहीं कर सकती, या मैं किसी मेल का करेक्टर उस तरह से नहीं क्रिटिसाइज किया वो शायद उन्होंने उस फिल्म को देखा नहीं उस तरह से, या वो उन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। हमारा करेक्टर था एक ख्वाजा सराग का, वो कोई दबा हुआ, कोई पिसा हुआ, कोई बेचारगी की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर था। और ये बॉलीवुड में बहुत सी फ्रेंड्स हैं, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, इन सबसे मेरा बहुत पर्सनली हेलो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो सभी लविंग है। और क्योंकि ये पहली अपॉर्चुनिटी थी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थी बल्कि मेरी तमाम ट्रांस कम्युनिटी के लिए थी। मुझे फीलिंग्स हैं जो हम फेस करते हैं, जो हम बर्दाश्त करते हैं, ये जो चीज़ें आप फेस करती हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो अगर मुश्किल होती हैं आपको, कोई भी अगर नया काम करते हैं आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, उस तरह मेरा। अस्सलाम वालेकुम उर्दू फाइव के साथ मैं खुशी गुप्ता सलीम, और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत अलीना खान मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, और इसके अलावा इन्होंने कैंस फिल्म फेस्टिवल में बहुत ही खूबसूरती से अवार्ड हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने जॉयलैंड फिल्म में जो है मेन करेक्टर अदा किया है, और मतलब अभी भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं क्वेश्चन बाद में करूं, मैं सिर्फ इनको देखते जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरा इतना लविंग इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। नहीं देखिए, आपने पाकिस्तान को इतना प्रेजेंट किया है तो हमारा काम बनता है कि हम आपको अप्रिशिएट करें, लोग भी आपको अप्रिशिएट करें। तो आपको कैसा लगता है कि जब लोग आपको इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, और आपने किस तरह फिल्म में जो है काम किया? जी थैंक यू सो मच आपके सवाल का। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि मुआशरे का साथ है, फैमिली का साथ है, तो ये चीज़ें आप में कहीं ना कहीं एक हौसला बिल्ड करती हैं, आप में ये हिम्मत पैदा करती हैं ज़िंदगी में और बेहतर से बेहतर करने का और आगे से आगे जाने का। तो ये आप सबकी चाहत है जिसकी वजह से मैं आज हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या मुश्किल फ़ेस की फ़िल्म के लिए, तो मुश्किल होती हैं स्टार्ट है आपको पता है, मुश्किलात होती हैं, आपको कोई भी अगर नया काम करते हैं आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। उस तरह मेरा भी अभी स्टार्ट था, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, मैं इंटरनेशनली अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर पाई, अपनी ट्रांस कम्युनिटी को प्रेजेंट कर पाई, बहुत सी चीज़ें मुश्किल थी। अगर मैं ऑन द सेट की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे लिए न्यू थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था कि जो ट्रांस करेक्टर है वो एक ट्रांस पर्सन ही, हाँ जी, वो अपना रोल खुद ही प्ले कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर होता था कि हमारे जो करेक्टर हैं वो मेल या फीमेल्स करती थी, और हमें बहुत कम मौका मिलता था अपने जेंडर को प्रेजेंट करने के लिए। पर अब ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम अपना करेक्टर खुद से निभा रहे थे, और ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी। और मैंने इसमें 100-10% इससे भी बल्कि ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश, क्योंकि ये एक पहली अपॉर्चुनिटी थी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थी बल्कि मेरी तमाम ट्रांस कम्युनिटी के लिए थी। मुझे था कि अगर ये एक फिल्म विन नहीं भी होती कहीं किसी इंटरनेशनल लेवल पे, पर जो हमारे न्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़रूर इस बारे में सोचें, हाँ वो ज़रूर इस बारे में सोचें कि जो हमारा करेक्टर है वो हमसे बेहतर नहीं कोई कर सकता। जैसे आप मशर से फीमेल हैं, मैं कभी भी एक फीमेल का करेक्टर नहीं कर सकती, या मैं किसी मेल का करेक्टर उस तरह से नहीं कर सकती। तो आप मिस पाकिस्तान के आपने अवार्ड हासिल किया है, ये क्या बात है? मिस पाकिस्तान का तो ये है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम फेस करते हैं, जो हम बर्दाश्त करते हैं, या जो चीज़ें आप फेस करती हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो अगर मेल कोई चीज़ फेस करता है या उसका सामना करता है तो वो मेल से बेहतर कोई नहीं जानता। उसी तरह हम जिस तरह से अपना करेक्टर खुद प्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेल या कोई फीमेल हमारे करेक्टर को उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं या सकती है। सो मेरे लिए बहुत बड़ी एक डील थी और बहुत बड़ा एक चैलेंज था, पर मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, सब देखने वालों का, सबके प्यार का, कि जिनकी वजह से हमारी मूवी को इतनी कामयाबी मिली, ये सब आपका प्यार था। आपको एक्टिंग का शौक था, या आपको जब पहली दफ़ा स्क्रिप्ट मिला तो आपको कैसा लगा? वैसे ये बताइए, एक्टिंग का शौक था? जी मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं परफॉर्मर भी थी, तो मैं रियलिटी में, रियल लाइफ में लोगों को एंटरटेनमेंट करती थी, पर एक कैमरे के पीछे जी के अंदर एक छुपा हुआ था। जी कहीं ना कहीं था, पर ये कि एक कैमरे के साथ काम करना, एक क्रू के साथ काम करना विद टीम वर्क, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम काम किया था इंडस्ट्री में, वो था मेरा डार्लिंग शॉर्ट मूवी, मैंने फर्स्ट टाइम की थी।
वो किस तरह आपने वो पहली दफा लफ्ज लिया, वो किस तरह से किया? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि मार क्या। आपको डार्लिंग कहा जाता था तो कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता। अक्सर वैसे आम रूटीन में भी कभी लोगों ने कहा है मुझे? हाँ, अक्सर मुझे डार्लिंग ने से बुलाते हैं। जैसे अब जो आइलैंड में मेरा नाम बीबा है, तो मेरे बहुत से जाने वाले जो मुझे बीबा बीबा, मेरे हर कमेंट्स में बीबा करते हैं। ये जो आइलैंड फिल्म के जब आपको स्क्रिप्ट मिला तो आपको पढ़ के कैसा लगा? आपका था माइंड के क्योंकि लोगों ने आपको पता है कि किस तरह के कमेंट्स किए, लोगों ने किस तरह क्रिटिसाइज़ किया, तो आपने फ़ौरन हामी भर ली या क्या था कुछ? जी नहीं, मैंने फौरी हामी बिल्कुल नहीं भरी। मैंने पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा, हमारी टेबल रीड हुई पूरी टीम के साथ, मैंने अपने कैरेक्टर को देखा। मैं साइम सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो हमारा कैरेक्टर था एक ख्वाजा सरा का, वो कोई दबा हुआ, कोई पिसा हुआ, कोई बेचारगी की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और जिसमें मुझे ज़्यादा मेन चीज़ पसंद आई वो ये थी कि स्टोरी सिर्फ एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी को हाईलाइट नहीं करती, बल्कि ये मेल फीमेल जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, जिनको अपने हमारे इर्द गिर्द के लोगों में मुआशरे में रहती हूँ, उनको चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। ये काफ़ी हद तक हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करती थी। तो मुझे खुशी थी क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद कैसा लगा? जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो शायद उन्होंने उस फिल्म को देखा नहीं उस तरह से, या वो उन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप अगर अपनी रियल लाइफ में नहीं देखते तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो चीज़ें लाजमी देखती होंगी। उसमें कुछ बनावटी नहीं है फिल्म। अच्छा, कितने लोगों ने आपको जो है प्रपोज भी किया कुछ ऐसा? जी नहीं, मैं अपने काम से बहुत सीरियस रहती हूँ, मुझे प्रपोज काम तो अभी मैं करना शुरू किया ना, पहले भी तो पहले भी सूरत भी है माशाल्लाह, मैं पहले भी काम ही करती थी। मुझसे लोग प्रपोज करते थे पर उनका प्रपोजल होना एक अलग था, मैं मेरा फोकस था अपने काम की तरफ होता था। और आज भी मैं अपने पैशन को, अपने काम को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, ना कि लव सब के चक्रों में पढ़ूँ। अच्छा ये बताएं, अगर आपको कहीं हॉलीवुड से बॉलीवुड से जो है आ जाती है, ऑफर आती है, तो किसके साथ काम करना पसंद करोगे? जी माशाल्लाह से अब तो मेरी बॉलीवुड में बहुत सी फ्रेंड्स हैं, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, तमन्ना भाटीकून, इन सब से मेरा बहुत पर्सनली हेलो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो सभी लविंग है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मुझे मौका मिले, अगर बॉलीवुड नहीं तो हॉलीवुड, मैं चाहूँगी कि मैं अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्ट को, पाकिस्तानी ट्रांस कम्यूनिटी को, या साउथ एशियन ट्रांस कल्चर को डिफरेंट ममालिक में जा कर रिप्रजेंट कर पाऊँ। तो किसके साथ आपका शौक होगा कि मैं इसके साथ जो है ना काम करूँ, मतलब एज अ हीरो वो आपके साथ आए? तो हीरो आए ऐसा, ये बड़ा मुश्किल कोई होता है ना हीरो भी जो काम अच्छा करे। अभी माशाल्लाह सभी एक्टर बहुत अच्छे हैं, अब मैं किसका नाम लूँ? नहीं, इमरान हाशमी के साथ अगर आपको मिल गया तो आपको कैसा लगेगा? जी कर लूँगी मैं काम, अच्छे एक्टर हैं वो। तो उसकी तो आपको पता ना उसके क्या फरमाइश होती है और क्या सीन होते हैं, तो वो तो चले कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे, मैं सब कुछ मैं उनके साथ कर लूँगी। मतलब नाम ही बढ़ ली है कि इमरान हाशमी के साथ। जी तो अभी आप पाकिस्तान में जो है अब किसके साथ आपने काम किया, और पाकिस्तान में अगर हुआ आपको ऑफर हुई तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, कौन सेक्टर आपको? जी माशाल्लाह अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो मुझे मायरा खान, सबा कमर जो है वो मुझे मेल मुझे सबा कमर जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके काम को बहुत सराहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आने वाले टाइम में इन लेडीज़ के साथ मुझे कोई मौका मिले। नहीं तो मेल में कौन? मेल में अगर मैं मेल से क्यों इतना दूर भागती हैं जल्दी आप मुझे उनका वैसे मैं मेल्स पे मैंने कभी मैंने बताया मैं शुरू से अपने काम की तरफ फोकस किया मेल्स तो एक्टर तो आपके साथ होगा ना। आतिफ असलम से भी मैं कर सकती हूँ, हाँ फिल्म में काम किसी में अगर वो मुझे मौका दे। शर्मा गई हैं आतिफ असलम का नाम लेते हुए, वो जरा सीनियर्स है ना तो थोड़ा सा शर्माना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। और सिंगिंग का कितना शौक है? देखिए मैं माशाल्लाह से एक्टर हूँ, डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, परफॉर्मर हूँ, अब माशाल्लाह से मैंने एक क्रॉन भी सर पे ले लिया हुआ है। तो अच्छा ये कैसा है? मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। अच्छा ये क्या चांदी का है किसका है? आप चेक करें आपको क्या लगता है क्योंकि हाँ, आप तो पाकिस्तान में इतना के देखा भी नहीं है पाकिस्तान में जितना महंगाई हुई आपको क्या लगता है ये प्लास्टिक का देंगे या प्लास्टिक का तो बिल्कुल नहीं है, ये तो प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं है कहीं से भी अच्छा है, मैंने वाकई में मैंने उतार के भी सही से देखा ही नहीं है, मैं तब से इंटरव्यूज दे रही हूँ। तो कम्युनिटी में कुछ और मतलब आना चाहें इस फील्ड में तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपनी न्यू यूथ को यही टैलेंट देना यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मैं आज आपको एक मिडिल एरिया से उठ के इस प्लेटफॉर्म में नज़र आ रही हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचाई जा रही है या लोग मेरे बारे में जानना या सुनना चाह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के बारे में जानना या सुनना चाह रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो हमारी जितनी भी न्यू ट्रांस हैं या जो न्यू यूथ है वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव करें, लोगों के सामने लाएँ। उनमें कोई भी किसी किस्म का भी टैलेंट है तो वो चाहे कि उसको लोगों के सामने लाएँ, ना ही कि उसको दबाएँ, क्योंकि कामयाबी हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी कामयाबी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप शुरू से इतनी स्लिम थे या आपने सिर्फ इसके लिए आप अपने जीतर बनाया? मैं वैसे तो मैं इस इवेंट के लिए भी अपने आप को मैं थोड़ा सा कर रही थी डाइट वगैरह, पर मैं शुरू से मेरा फिगर यही है, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ तो मैं वर्कआउट करती हूँ डेली, 2-3 घंटे मैं टाइम देती हूँ अपनी गेम को, तो मुझे नहीं लगता कहीं फैट आएगा। चरण जी, आपको अलीना की बातें कैसी लगी? माशाल्लाह जो है इन्होंने पाकिस्तान को वाकई में बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट किया है, इसके अलावा प्रमोट किया है, तो इनका मैसेज बहुत खूबसूरत था। आपको इनकी बातें कैसी लगी इनकी बातें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के वाले।